लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नीतीश सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के भले ही लाख दावे किए जाते हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। बिहार के इस स्कूल में बच्चे लाशों के साथ पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सोचिए, जिस लाश को देखकर बच्चे डर से सहम जाते हैं, आखिर उन लाशों के बीच बैठकर पढ़ना उनके लिए कितना भयावह होगा। यहाँ बच्चे इन्हीं के साथ खेलते, खाते और पढ़ते हैं, वह भी कई शवों के बीच। भोजपुर जिला के कोहवर प्रखंड क्षेत्र स्थित कायमनगर गांव में उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय है, जो कब्रिस्तान में है। स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का कहना है कि इसके अलावा कोई और जगह नहीं है जहां पर पढ़ाई कर सके, इसलिए इस स्कूल में मजबूरन आना पड़ता है। हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। स्कूल में आने से पहले कब्रिस्तान को सलाम करते हैं कि कब्र पर सोने वाले तेरा सलाम। इसके बाद सभी शिक्षकों को सलाम करते हैं। वहीं स्कूल टीचर्स का कहना है कि हम जानते हैं कि यहाँ आना सख्त मना है, लेकिन हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। पहले तो बच्चे भी यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन वे मजबूरी में ही धीरे धीरे आने यहाँ आने लगे। स्कूल टीचर ने बताया कि यह कब्रिस्तान भी काफी पुराना है और आसपास के गांव के बच्चे इसी कब्रिस्तान के माहौल में पढ़कर आज विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं।